and today we are going to start lesson number 5. Open your English book at page number 16. What is the name of this lesson? This lesson name is The Titanic. बच्चों टाइटैनिक क्या है क्या आप जानते हैं? हो सकता है बहुत सारों में से आपने इसके बारे में सुना हो. चलिए मैं आपको बताती हूँ. टाइटैनिक जो है वो एक शिप का नाम था जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और जिसमें पूरी सुख सुविधाएं यानी हर तरह की फैसिलिटीज़ उस शिप में थी, उसको हम टाइटैनिक कहते हैं. और इसके बारे में मूवी भी बनी हुई है. बहुत से लोगों ने, बहुत से बच्चों ने आप में से इसमें मूवी देखी होगी. चलिए आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द टाइटैनिक. ऑन अप्रैल 10, 1912 द लार्जेस्ट एंड फाइनेस्ट लग्जरी शिप इन द वर्ल्ड सेल फ्रॉम साउथहैम्पटन इन इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क अमेरिका. 10 अप्रैल 1912 को सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सुख सुविधाओं से भरा हुआ जहाज संसार का रवाना हुआ. कहाँ से? साउथहैम्पटन से, जो कि इंग्लैंड में है. कहाँ के लिए? न्यूयॉर्क के लिए, अमेरिका. शी वॉज कॉल्ड द टाइटैनिक एंड इट वॉज हर फर्स्ट वॉयेज. उसको क्या कहा गया? शिप को टाइटैनिक कहा गया और ये पहली उसकी समुद्री यात्रा थी. किसकी? जहाज की. शी वॉज क्रॉसिंग द एटलांटिक ओशियन एंड शी वॉज कैरिंग मोर देन 2000 पीपल. ये टाइटैनिक जो था वो एटलांटिक ओशियन को पार कर रहा था, क्रॉस कर रहा था. और उसमें, किसमें? शिप में कितने लोग ले जा रहा था? वो 2000 से भी ज़्यादा लोगों को वो शिप, जहाज ले जा रहा था. द टाइटैनिक वॉज लाइक ए फ्लोटिंग टाउन. टाइटैनिक जो था वो एक तैरते हुए शहर की तरह था. अब यहाँ पर टाइटैनिक को फ्लोटिंग टाउन क्यों कहा गया है? क्योंकि टाइटैनिक जो था वो एक टाउन की तरह ही था, जैसे एक शहर होता है हमारा. और ऐसा लगता था कि पूरा जो टाउन है वो एक हमारे शिप के अंदर आ गया है, यानी उसकी बनावट ऐसी थी. इसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊँगी. तो ऐसा लग रहा था जब वो पानी पर शिप चल रहा था कि जैसे पूरा का पूरा शहर ही उस पर तैर रहा हो. स्टूडेंट अब इस पूरे चैप्टर की रीडिंग आपको खुद करनी है. मैं आपको इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन बता देती हूँ. वे जहाज जो था बहुत ख़ास देखभाल से बनाया गया था और हर कोई इसके बारे में ये सोचता था कि वो कभी नहीं डूब सकता. इसलिए सब लोग या वे लोग उसको कैसा बोलने लगे कि वो कभी ना डूब सकने वाला जहाज है. बाहर से टाइटैनिक जो था वो इतना टॉल था, लंबा था, जैसे कि एक बिल्डिंग होती है. और उसमें 15 स्टोरीज यानी 15 मंजिलें थीं. इनसाइड, अंदर से वो एक बड़े होटल की तरह था. और उसके अंदर ग्रैंड स्टेयर कैसी सीढ़ियाँ थीं, डाइनिंग रूम था, शॉप्स थीं और स्विमिंग पूल भी था. ये यात्रा जो थी, जर्नी जो थी, बहुत कंफर्टेबल थी, यानी आरामदायक थी, सुखी थी. बच्चे और आदमी जो थे वो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, वो बहुत खुश थे और प्राउड भी कर रहे थे कहीं ना कहीं, यानी गर्व महसूस कर रहे थे. क्यों? क्योंकि वो दुनिया के सबसे अच्छे, बेस्ट शिप में, यानी सबसे अच्छी शिप में सफ़र कर रहे थे. इसलिए वो खुश थे और वे अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रहे थे कि हम सेफ हैं. कैप्टन स्मिथ और उनका जो साथी दल था, कर्मी दल था, वो बहुत वर्क हार्ड कर रहे थे, मतलब मेहनत कर रहे थे हर एक को कंफर्टेबल रखने की. 4 दिन तक जो टाइटैनिक है वो रवाना होता रहा, चलता रहा स्मूथली एक हंस की तरह. फिर अचानक जो है, फिर क्या हुआ? अप्रैल 14 आया. फिर क्या हुआ इसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर. ये अप्रैल 14 में नाइट जो थी, रात जो थी, बहुत ठंडी थी, यानी ठंड थी बहुत. और आसमान जो था वो बहुत क्लियर साफ था और सी, समुद्र जो था वो खामोश था. ज़्यादातर उसमें जो पैसेंजर थे, यात्री थे, वो पहले से ही सोए हुए थे. टाइम हो रहा था, टेक डाउन हो रहा था, चल रहा था, 10 o'clock हुआ,
फिर 11 हुआ, हाफ पास्ट 11 हुआ। फिर 11:40 पर शिप की टॉप पर जो मैन जो आदमी देख रहा था, अचानक ही उसे कुछ नज़र आया और वह डर से ठंडा हो गया। एक आइसबर्ग यानी बर्फ का एक पहाड़ टाइटैनिक के रास्ते में सीधे सामने खड़ा था और ये इतना बड़ा था जैसे कि एक माउंटेन, यानी जैसे कि एक पहाड़ होता है, आइसबर्ग जो था वो इतना बड़ा था हमारा। कुछ मिनट तक तो उस आदमी को समझ में नहीं आया कि क्या करना है। फिर उसने टेलीफोन किया इंजन रूम में, वहाँ पर कैप्टन स्मिथ और उसके जो कर्मी दल थे उन्होंने कोशिश की जो शिप का स्टेयर था उसको दूर करने की आइसबर्ग से, लेकिन उसकी जो साइड थी, किसकी शिप की साइड जो थी वो स्क्रैप्ड हो गई, यानी खुरच गई, टकरा गई माउंटेन ऑफ आइस बर्फ़ के पहाड़ से। और फिर उससे क्या हुआ कि उससे जो बड़ी शावर यानी एक बोछार सी आइस की डेस्क पर मंजिल पर आ गई और वहाँ पर बड़े बड़े होल भी हो गए शिप की साइड में और पानी जो था वो बहना शुरू हो गया इंजन रूम में और नीचे की मंजिल पर। अब बहुत से लोग उस टाइम झटके के साथ उड़ गए, उन्हें एक धक्का सा लगा और झटका लगा तो वे उड़ गए और वो हैरान थे चमचमाती हुई जो आइस यानी बर्फ़ पड़ी हुई थी बाहर उनके पोर्ट होल में, उसे देखकर वो हैरान रह गए। लेकिन दूसरे जो पैसेंजर थे, यात्री थे, अभी भी कुछ सोए हुए थे और आइसबर्ग जो था वो हमारा तैरता हुआ यानी वो हमसे दूर हो गया। नीचे की मंजिल में पानी जो था बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। कैप्टन स्मिथ और उसके साथी दल जो थे बहुत कोशिश की उन्होंने उसको रोकने की, लेकिन वो उसको रोक नहीं सके। अब वे जान गए थे कि टाइटैनिक जो था वो अब एक बड़े ख़तरे में था और कभी ना डूब सकने वाला जहाज़ अब धीरे धीरे करके डूब रहा था। कैप्टन स्मिथ जो था अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भेजना शुरू किया रेडियो सिग्नल 12:15 पर कि मदद करो, हमारी एक आइसबर्ग से हम टकरा गए हैं या हिट हो गए हैं। एक शिप कैलिफोर्निया जो टाइटैनिक से 18 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन वो रिसीव नहीं कर सका टाइटैनिक का सिग्नल। क्यों? क्योंकि वो उसका जो रेडियो था, कैलिफोर्निया का जो रेडियो था वो 12 बजे ही बंद हो गया था। अब सारे पैसेंजर जो थे वो उड़ गए थे। कैप्टन स्मिथ ने ऑर्डर देने शुरू किए कि लोअर द बोट्स यानी बोट्स को नीचे करो और पैसेंजर से कहा, यात्रियों से कहा कि प्लीज़ अपनी जो लाइफ बेल्ट है वो पहन लीजिए और डेक पर आ जाइए, मंजिल पर आ जाइए। और जो कर्मी दल था उन्होंने बोट को समुद्र में नीचे उतारा, जहाज पर से बोट को नीचे समुद्र में उतारा और उसमें जो था बोट के अंदर इतना स्पेस था, इतनी जगह थी कि उसमें 1000 लोग आ सकते थे, लेकिन टाइटैनिक में 2000 से ज़्यादा लोग सवार थे। शिप जो था वो समुद्र में झुकना शुरू हो गया और जल्दी ही उसका एक किनारा जो था वो पानी में बाहर की साइड खड़ा रहा। कुछ लोग इतना डर गए थे कि वो समुद्र में जंप लगाया, उन्होंने कूदने लगे डर के मारे। और जैसे जैसे शिप जो था वो डूब रहा था ज़्यादा ज़्यादा पानी में, लोग जो थे वो स्लिप हो रहे थे डेक पर से पानी के अंदर। टाइटैनिक ने अपना सिग्नल जो है वो भेजना जारी रखा और सबसे आखिर में एक छोटा शिप कारपेथिया ने उसकी कॉल सुनी और वो उससे 100 किलोमीटर दूर था। किससे? टाइटैनिक से, 100 मीटर की दूरी पर था। और जैसे ही उसने कॉल सुनी वो तेज़ी से फुल स्पीड से रवाना हुआ टाइटैनिक की तरफ। तब तक टाइटैनिक जो था वो बहुत तेज़ी से डूब रहा था। उसकी लाइट अभी भी शाइनिंग हो रही थी, चमक रही थी और कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए वो सीधा खड़ा रहा और फिर 2:20 AM पर 15 अप्रैल में वो समुद्र में वैनिश्ड हो गया, गायब हो गया यानी डूब गया फॉर एवर, सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए वो समुद्र में डूब गया। और लगभग 1500 लोग जो थे, जिसमें कैप्टन स्मिथ,
भी शामिल थे वो उसी के साथ डूब गए। जब कार्पेथिया वहाँ पर पहुँचा तो 4 बज चुके थे सुबह के, और वो केवल 700 लोगों को ही, यानी 700 लोगों को ही बचा सका। टाइटैनिक अब जो है वो महासागर में बॉटम में, यानी इसकी तली में नीचे गहराई में डूबा हुआ है और कोई भी उसको नहीं बचा सका, लेकिन लोग उसे दुख से आज भी याद करते हैं। आर्टिस्ट ने बहुत सारी पिक्चर्स बनाई हैं उसके ऊपर और सॉन्ग्स भी लिखे गए हैं उसके ऊपर, और बहुत सारी ज़बानों में, लैंग्वेज में लोगों ने उसके बारे में, किसके बारे में, कैप्टन स्मिथ के बारे में और उसका जो बहादुर कर्मी दल था जो टाइटैनिक के साथ ही डूब गए थे, उनके बारे में लोगों ने लिखा है। स्टूडेंट्स, अंडरलाइन द 15 डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम दिस लेसन। इस लेसन में से आपको 15 डिफ़िकल्ट वर्ड अंडरलाइन करने हैं। एंड गेट दिस वर्ड डिक्टेटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड गेट देम चेक टू। स्टूडेंट, ये आपके लेसन नंबर 5 के वर्ड मीनिंग है, इनको आपको कॉपी में करना है और लर्न भी करना है। मैं आपको एक बार इसको रीड करा देती हूँ। वर्ड है ये लिखे हुए आपके, मीनिंग इन हिंदी, हिंदी में इसके मीनिंग है, मीनिंग इन इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश में मीनिंग लिखे हुए हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा सेल्ड, रवाना होना, इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्लाइड। सेकंड वॉयज, समुद्री यात्रा, इसको इंग्लिश में जर्नी कहते हैं। फ्लोटिंग, तैरता हुआ, स्विमिंग। क्रू, कर्मीदल, टीम। आइसबर्ग, बर्फ का पहाड़। स्नो स्लाइड, खुरचना, ड्रैग। जोल्ट, झटका या धक्का, इसको इंग्लिश में कहते हैं पुश। क्लीमिंग, चमचमाती, शाइन। टिल्ट, झुकाव, स्लोप। वैनिश्ड, गायब, डिसअपीयर। डेक, मंजिल, फ्लोर। चलिए अब एक्सरसाइज टाइम है हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये नीचे जो है आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसके आंसर हमें लिखने हैं। 1, 2, 3। स्टूडेंट, ये आपके लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई वाज टाइटैनिक कॉल्ड ए फ्लोटिंग टाउन। टाइटैनिक को एक तैरता हुआ शहर क्यों कहा गया है? आंसर है इसका, द टाइटैनिक वाज लाइक ए फ्लोटिंग टाउन बिकॉज इट वाज एज टॉल एज ए बिल्डिंग विथ 15 स्टोरीज। टाइटैनिक जो था उसे एक तैरता हुआ शहर कहा गया है क्योंकि ये इतना लंबा था जैसे कि एक बिल्डिंग, और इसमें 15 मंजिल थी। इनसाइड, अंदर से, इट वाज लाइक ए लार्ज होटल, ये एक बड़े होटल की तरह था। देयर वर ग्रैंड स्टेयर केसेस, उसमें सीढ़ियाँ थीं। डाइनिंग रूम्स, डाइनिंग रूम था। शॉप्स थी एंड स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपेंड टू द शिप एट 11:40 PM ऑन 14 अप्रैल 1912। शिप को क्या हुआ 11:40 पर, 14 अप्रैल 1912 को शिप को क्या हुआ, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट वाज कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया क्या था। व्हाई डिड कैलिफोर्निया नॉट रिसीव द रेडियो सिग्नल्स ऑफ टाइटैनिक, कैलिफोर्निया क्यों रिसीव नहीं कर सका टाइटैनिक का रेडियो सिग्नल, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं, खाली जो जगह दी हुई है आपकी, स्पेस दिया हुआ है, वर्ड ये हमारे दिए हुए हैं आपके, इनमें से ही मैंने नंबर डाल दिए आपको। जैसे फर्स्ट है हमारा, माय फादर हैज़ ए डैश कार, मेरे फादर के पास एक कार है। इट इज़ 2 सीटर, इसकी 2 सीटें हैं। इसमें फर्स्ट में आप भरेंगे ये लग्जरियस। इसी तरह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपको बुक के अंदर ही फिल करने हैं। स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क में 1 पेज पर तो आपको डिक्टेशन बुलवाना है डिफ़िकल्ट वर्ड्स का, सेकंड पे आपको वर्ड मीनिंग लिखने हैं, और थर्ड पेज पर आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 इसका आपको बुक के अंदर ही फिल करना है। एंड नाउ दिस लेसन इज़ ओवर।
थैंक यू।